आज के मैच को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आज का अच्छा मैच हुआ है और वही वाली बात है कि गंदी तरीन फील्डिंग हुई, जीरो पे दो तीन प्लेयरों के कैच गिरे, वो उन सब ने चिप इन किया और फील्डिंग पूरे टूर्नामेंट में जो अच्छा करेगा या बेहतर करेगा, कम मिस फील्डिंग, कम कैच ड्रॉप करेगा, वो टीम जीतेगी। अभी तक कोई भी ऐसी एक टीम नहीं है जिसको हम ये बोल दें चार दिन तीन दिन में कि ये टीम जो बहुत अच्छी फील्डिंग की, क्योंकि कैचेस भी ड्रॉप हुए और सीधी बॉल फंबल होना ये समझ नहीं आ रही। चले कैच हो गया भाई, थोड़ा लेट नजर आया या मूवमेंट लेट हो गई या आप स्लो थे या जो भी कह लें, उसका फैक्टर नहीं है। नहीं, दोपहर के मैच में कहां से होगा, दोपहर के मैच में मिस फील्डिंग हो रही है, सीधी बॉल फंबल हो रही है, ओवर थ्रोज हो रही है। आज तो लाहौर के मैच में एक टाइम ऐसा आया ब्रेथ विद बाउंड्री से आगे, उसने कहा काम डाउन, अब थ्रो नहीं कर देना। तीसरा रन बन चुका था, उसके बाद भी उसने बोला था अब नहीं थ्रो करना, मतलब इतनी पैनिक बटन दबा हुआ था। तो ये तकरीबन ही हर टीमों में दिख रहा है, मगर ये कह लें कि अगर ये मैं कहूंगा तो ये गलत नहीं कि लाहौर अगर मैच हारी है तो अपनी फील्डिंग से हारी है। अच्छा, रन जीत सकते थे, स्टिल वो स्ट्रगलिंग कर रहे थे। नाफे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की है और जिस तरह साथ में उन्होंने दो तीन कैच गिरे हैं, ड्रॉप हुए, तो जाहिर सी बात है आप इस तरह के मैच में ड्रॉप करेंगे तो मैच कहां से जीतेंगे। तनवीर, जिस तरह से आपने देखा कि आज पहले तो फखर जमान का कैच उन्होंने ड्रॉप किया और जवाब पे जेसन रॉय का कैच ड्रॉप हुआ और फिर उसके बाद मोमेंटम गेन किया, बॉलिंग में आप क्या देखते हैं? आपको हारिस रऊफ ने बहुत तेज बॉलिंग की, अगरचे 149 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और फिर हसनैन ने भी बहुत तेज बॉलिंग की, लेकिन क्या वजह है? फास्ट बॉलर तेज तो बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन उनकी पिटाई बहुत हो रही है, वो अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखिए, इन पिचेस के ऊपर आप जब तक क्लेवर बॉलिंग नहीं करेंगे आप की मारी लगेगी। अब हारिस रऊफ की जिस तरह मैंने कल से बात कर रहा हूँ कि भाई ये इस जो उसकी फॉर्म इस टाइम चल रही है वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको जगह उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने किस जगह पे बॉलिंग करनी है। जिस तरह आपने हसनैन की बात की है भाई, मतलब कहाँ है आपके स्लोवन बाउंसर्स, कहाँ हैं बाउंसर्स, कहाँ हैं फास्ट बाउंसर्स, वेरिएशन नहीं थी ना सर। उसकी वजह ये होती है, देखिए मैं वसीम जूनियर और हसनैन इन दोनों की बात पहले इस वजह से करूंगा, देखिए इनके हाथ जो है ना बाहर से आते हैं, इनके हाथ ऊपर से सीधे नहीं आते, थोड़े बाहर से आते हैं। जब किसी बॉलर का हाथ बाहर से आता है तो बैट्समैन के माइंड में सबसे पहले एक चीज होती है कि इसने आगे से बॉल अंदर लेके आनी है या यॉर्कर करेगा। बैट्समैन के माइंड में बहुत कम होता है कि ये पीछे बॉल करेगा, इसीलिए आपने देखा इनको सामने लगे हैं सारे शॉट। तो भाई क्लोज द स्टंप जाके ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर कर लो, वाइड ऑफ द क्रीज जाके टांगों के बीच में बॉल करो, स्लो वन बाउंसर्स करो। देखे जब आप आगे बॉल करेंगे तो बैट्समैन का सारा एम शिफ्ट होता है आगे की तरफ, सामने की तरफ शिफ्ट होता है। जब आप पीछे तेज बॉल तेज बाउंसर स्लो करोगे वो बैकफुट पे आता है, जब वो बैकफुट पे आएगा तो उसके बाद आप एक तेज यॉर्कर करोगे। शॉन टेट तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ है ना, बताते तो होंगे ना, शॉन टेट खुद आगे बॉलिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बताते क्या होंगे, एक दफा गलती हुई दूसरी दफा भी गलती, तो गलती देखिए बार बार गलती होगी, आप ड्रॉप हो जाएंगे। यही गलती वसीम जूनियर ने भी की, वही बाहर से उसका हाथ आता है, स्लिंगिंग एक्शन है, वो भी आगे बॉल किए जा रहा है। भाई आपके पास मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर है, उससे समझो कि कैसे आउट करना है, कैसे वेरिएशन के साथ जो है वो बॉलिंग करनी है। एक नजर डाल लेते हैं समरी पर के आज के मैच में क्या हुआ। आज एक ही मैच था और अगर आप समरी पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि पहले बैटिंग की 187 रन 7 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए लाहौर कलंदर्स ने। साहबजादा फरहान की मुसलसल दूसरी मिस सेंचुरी थी और अकील हुसैन की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, 4 ओवर में सिर्फ उन्होंने 17 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और हसनैन बड़े महंगे साबित हुए, जहादात खान पे मैं खुर्रम मंजूर से पूछूंगा, सिकंदर रजा 18 रन बना सके और जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ये हदफ जो है ये 20 ओवर्स में था। अब ये इन्होंने कितनी विकटों पर, 5 विकटों पर तो पूरा किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ये हदफ, लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद पर इन्होंने ये हदफ उबूर किया है और जिसमें ख्वाजा नाफे 60 रन पर उन्होंने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली और फिर सऊद शकील का तो मैंने जिक्र किया। और बॉलिंग में अगर आप देखें सिकंदर रजा जमान खान, खुर्रम बात करते हैं जहांदाद खान की। जी सर, जहांदाद खान तो आप मुझे आप ही बता रहे थे, मेरी मालूमात में इजाफा कर रहे थे कि टेप बॉल के खिलाड़ी हैं और उनको मिचल कहते हैं जहांदाद खान, तो जहांदाद मिचल के नाम से पूरे पाकिस्तान की वजह से या वैसे मोहब्बत में कहते हैं, क्योंकि आपने देखा टेप बॉलों के ना स्पेशल नाम दिए जाते हैं और पब्लिक इनकी बड़े फैन फॉलोइंग है, अगर यूट्यूब पे देखें इनके बहुत बड़े बड़े फैन है, खड़े खड़े उन्होंने छक्के मारे। और ये मुझे लग रहा था जिस टाइम अबरार आया था ना, क्योंकि इसकी ऑप्शन थी, ये सिंगल विंगल नहीं आता इसको करना, सिर्फ
छक्के मारते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया, देखा होगा आप, याद हो अगर आपको, मैंने बोला था इनको लिया ही इसलिए गया, दो तीन छक्के और साथ में बॉलिंग इनकी मेन वेपन है, और वही आज वो ऐसा बेसिकली तो लाहौर कलंदर को मैच में यही लड़का लेके आया आज, मगर गंदी फील्डिंग और इनडिसिप्लिन बॉलिंग से मैच हार गया। बिल्कुल, आज हारिस रऊफ लग ही नहीं रहे थे, वो इतने मैच, इतने सीनियर प्लेयर, पाकिस्तान टीम के रेगुलर पार्ट, हर तरीके की, हर फॉर्मेट, हर लीग खेल रहे, उसके बाद इतने इतनी विविड बॉलिंग की है उन्होंने। मुझे ये कहने अफसोस हो रहा है पाकिस्तान का प्रोडक्ट, मगर लग रहा है सीखने का जो प्रोसीजर, ऐसा लगता है सब कुछ आ गया। सही सही, तो आपको डेली बेसिस पे सीखना होता है। आपको ख्वाजा नाफे सही है आपके मुकाबले में इनएक्सपीरियंस था, मगर उसने आज आपको बताया कि मेरा, मैं आपके साथ मैच खेल रहा, तो मेरा और आपका लेवल एक ही है। उसने इसी को दो छक्के मारे हैं, टोटल तीन छक्के मारे हैं और दो छक्के इसको मारे हैं उसने। तनवीर, ख्वाजा नाफे की बैटिंग को कैसे देखते हैं? कराची से खेला है ख्वाजा नाफे, और फोरम ने मुझे, जब मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने बताया था कि आप देखिएगा इसमें बड़ा टैलेंट है, ये तो कह रहे थे शायद इनिंग्स ओपन करने उसको भेजें, वो एज एन ओपनर भी खेलता है, लेकिन यहाँ आप उसकी बैटिंग को कैसे देखते हैं? और जो गलतियाँ की लाहौर कलंदर ने, पांच गेंदे पहले टारगेट अचीव किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ख्वाजा नाफे की बात मुझसे कोई भी जब भी कोई सवाल पूछेगा तो मुझे जो कराची के लोग हैं वो, और जो कराची के कोचिज हैं, मुझे बहुत तकलीफ है उनसे, और मुझे बहुत गुस्सा है उनके ऊपर, क्योंकि यही लोग हैं इस लड़के की क्रिकेट ख़राब करने में। उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने इसको, ये रमज़ान क्रिकेट कब से खेल रहा है? अभी से नहीं खेल रहा, अभी डोमेस्टिक के इसने T20 के कोई 3-4 मैचेस खेले हैं, पता नहीं अल्लाह अल्लाह करके उसको लेके आए ये लोग, ये काफ़ी अरसे से नहीं, लेकिन काफ़ी तो लाहौर का उसको क्रेडिट क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जाता। नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ उस तरफ। देखें कितने अरसे से ये क्लब क्रिकेट खेल रहा है, रमज़ान क्रिकेट खेलता है, मैंने इसको टीवी में देखा, मैंने एक दो लड़कों को फ़ोन किया, मैंने बोला भाई ये इतना टैलेंटेड लड़का है, कहाँ है ये, इसको क्यों नहीं पूछते? पता ये चला जी ये फलाने कोच का बंदा है, हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसके नखरे नहीं हैं, ये आपके कोचिस जो कराची के कोचिस हैं इनका ये हाल है। मतलब बात बात देखें, हमारे लोग अपने लड़कों की क्रिकेट खराब करते हैं, एक लड़का हो रहा है ठीक है, उसकी भी इन्होंने क्रिकेट बर्बाद कर दी कि जी हमें सलाम दुआ नहीं करता, हमें ये नहीं करता, उड़ाने के लिए तनवीर अहमद इनके पास इशू होता है शोज में बात करने के लिए, आदमी है ना वो, शोज में बात करने के लिए तनवीर अहमद होता है जिसका कराची से ताल्लुक है, और जिन प्लेयरों का कराची से ताल्लुक परफॉर्म कर रहे हैं उनका ये साथ नहीं देंगे। एक लड़का हो रहा है उसामा बलोच, इतना टैलेंटेड लड़का है वो, उसके साथ भी यही कुछ कर रहे हैं, वो बेचारा दुबई में चला गया, वहां जाके खेलता है, जो थोड़े बहुत पैसे उसने कमाने होते हैं यहाँ उसको मौका मिलता नहीं है, ये अपने लोग ही बर्बाद करते हैं। मजीद बात करेंगे, क्योंकि मैंने देखा था एक प्लेयर आया था उस्मान खान, शायद आप दोनों ने देखा हो, वो भी चला गया यूएई, वो यूएई से आया था लेकिन वो कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ। हम मजीद बात करेंगे, खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे, अभी क्योंकि हम इस मैच के हवाले